नमस्कार, साधन न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रिशु त्यागी। बाजार सजा है, बोली लग रही है और बिक रही हैं जीती जागती मासूम लड़कियां और महिलाएं। जी हाँ, आपका चौंकना लाजमी है कि किस बाजार की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं उस मंडी की जहाँ महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है। यहाँ वो जघन्य अपराध होता है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। चंद रुपयों के लालच में आज महिलाओं, लड़कियों और बच्चों की तस्करी कर रही जा रही है। बहला फुसला कर या नौकरी का झांसा देकर इंसानियत के सौदागर लड़कियों और महिलाओं का महानगरों या विदेशों में सौदा कर रहे हैं। उन्हें बंधुआ मजदूर या जिस्म के बाजार में सजने के लिए भेज रहे हैं। आपको बता दें कि यूएन की हालिया रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत मानव तस्करी का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। मानव तस्करी के इस गंभीर मुद्दे पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम औरत की मंडी। देश सफलता की नित नई इबारत लिखता जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रगति की सीढ़ी चढ़ते देश में महिलाएं और बच्चों के खिलाफ अपराध में लगातार इजाफा हो रहा है। वो अपने ही देश में असुरक्षित के हैं, यहाँ पर असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। चंद रुपयों की खातिर महिलाओं और बच्चों का सौदा हो रहा है। दरअसल भारत में इंसानों का बाजार लगता है। जी हाँ, इस चौंकाने वाली हकीकत का खुलासा हुआ है यूएन की ताजा रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक भारत महिलाओं और बच्चों की तस्करी का बड़ा बाजार बन गया है। चंद रुपयों के खातिर ये कैसा व्यापार? इंसान ही इंसान का कर रहा है सौदा। चौंकाने वाली हकीकत का खुलासा हुआ यूएनए की रिपोर्ट में। भारत बन गया है महिलाओं और बच्चों की तस्करी का बड़ा बाजार। जी हाँ, आज चंद रुपयों के लालच में महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही है और इसके लिए भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है। दरअसल भारत में चाइल्ड और वुमेन राइट्स को बड़ा झटका देते हुए यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत मानव तस्करी का बड़ा बाजार बन चुका है और देश की राजधानी दिल्ली मानव तस्करों की पसंदीदा जगह, जहां देश भर से बच्चों और महिलाओं को लाकर न केवल आसपास के इलाकों बल्कि विदेशों में भी भेजा जा रहा है। अपने संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर भारत तेजी से मानव तस्करी के लिए बदनाम हो रहा है। भारत में मानव तस्करी को लेकर यूएन की हालिया रिपोर्ट की माने तो भारत में साल 2009 से 2011 के बीच लगभग 1,77,760 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 1,22,190 बच्चों का पता चल सका, जबकि अभी भी 55,000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं, जिसमें से 64% यानी लगभग 35,615 नाबालिग लड़कियां हैं। वहीं इस बीच करीब 1,60,000 महिलाएं लापता हुई, जिनमें से सिर्फ 1,03,000 महिलाओं का ही पता चल सका। वहीं लगभग 56,000 महिलाएं अब तक लापता हैं। गौर करने वाली बात है कि ये सभी आंकड़े NCERB के गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट के लिए गए हैं। बहरहाल इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की हो रही खरीद फरोख्त को देखते हुए मानवाधिकारों के लिए काम करने वालों का भी कहना है कि कानून का लचर रवैया मानव तस्करी को रोक पाने में असफल रहा है और इसी वजह से भारत मानव तस्करी के लिए एक बड़ा बाजार बन गया है। आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध ना हो रहा हो। हर पल ये खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और हैरानी तो ये है कि अब कुछ लोगों ने महिलाओं और बच्चों की तस्करी को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश की तरक्की के कोई मायने हैं, जब देश की आधी आबादी और भविष्य असुरक्षित हैं और उन्हें बेचा जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हाँ, तो हर पल यहाँ डर लगता है। महिलाएं और बच्चे हमेशा खौफ के साए में जी रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली तो महिलाओं और बच्चों की तस्करी के मामले में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मानी जाती है। गांव और दूसरे शहरों से लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया जाता है और उन्हें इंसानों की मंडी में बेच दिया जाता है। देसी क्या विदेशी भी इन जीती जागती लड़कियों, महिलाओं और बच्चों की बोली लगाते हैं। Thank you.
यूएन की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भारत मानव तस्करी का एक बड़ा बाजार है। सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों की खरीद फरोख्त सबसे ज्यादा होती है। दिल्ली को तो मानव तस्करी के अड्डे के तौर पर जाना जाने लगा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर मानव तस्करों के लिए पसंदीदा जगह बनती जा रही है, जहां देश के कई हिस्सों से लाकर बच्चों और महिलाओं को दूसरी जगह पर भेजा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011-12 में एनजीओ की मदद से 1532 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वहीं दिल्ली से लापता बच्चों की बात करें तो साल 2009-2011 के बीच लापता हुए लगभग 3094 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिनमें से 1636 लड़कियां हैं। तो वहीं इस दौरान गायब हुई लगभग 3786 महिलाएं भी अब तक लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में तस्करी कर लाए गए बच्चों और महिलाओं की मांग सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी के धंधे को अंजाम गैर कानूनी रूप से चल रही प्लेसमेंट एजेंसियां दे रही हैं। इनमें से ज्यादातर प्लेसमेंट एजेंसियां दिल्ली और एनसीआर के शहरों से चल रही हैं। गरीब परिवार की लड़कियों, महिलाओं और बच्चों को बहला फुसला कर दिल्ली या एनसीआर लाकर ये प्लेसमेंट एजेंसियां बेच देती हैं और खूब मुनाफा कमाती हैं। ये एजेंसियां बेचने के बाद इन महिलाओं या बच्चों के बारे में कोई जानकारी तक नहीं लेती कि वो ठीक भी हैं या नहीं। और करने वाली बात यह है कि तस्करी के शिकार हुए इन मासूमों के साथ काफी बुरा बर्ताव किया जाता है। ये बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं, इनसे 10 से 14 घंटे काम लिया जाता है, तो वहीं लड़कियों को देह व्यापार की आग में झोंक दिया जाता है। हैरानी तो यह है कि ये धंधा प्रशासन की नाक के नीचे और उन्हीं की मिलीभगत की वजह से फल फूल रहा है। यही वजह है कि महिलाओं को बच्चों की तस्करी जैसे जघन्य अपराध पर लगाम लगने की बजाय ये एक बड़े कारोबार का रूप ले चुका है, जो वाकई काफी चिंताजनक है। स्पेशल रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो तस्करी का ये धंधा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महिला हिंसा जैसे बलात्कार, बाल विवाह, वैश्यावृत्ति, ऑनर किलिंग, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन इन सब के बीच देश भर में हो रही लड़कियों की तस्करी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। जी हाँ, ये चौंकाने वाली सच्चाई है कि देश में लाखों लड़कियाँ हर साल गुम हो जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर को देह व्यापार, घरेलू कामकाज या उत्तर भारत के राज्यों में शादी के लिए भेज दिया जाता है। चाकर समझो या दाई, पतुरिया मानो या लुगाई, अरे जो चाहे लोग काम, आम के आम, गुठलियों के दाम। महिलाओं और लड़कियों की लग रही है बोली, कोई 10,000 में तो किसी को 20,000 में बेच रहा है, तो किसी की कीमत लग रही है 40,000। जी हाँ, महिलाओं और मासूम बच्चियों के सौदागर इनकी खूब खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये उस देश की खोखली सच्चाई है जहाँ महिला सशक्तिकरण की बातें तो की जाती हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सबसे ज्यादा जुर्म होता है। आपको बता दें कि देश के हर राज्य में महिला तस्करी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। किसी को देह व्यापार के लिए बेचा जाता है, तो कोई घरेलू काम के लिए, तो कई अधेड़ उम्र के दूल्हों के लिए बेची जा रही हैं। गौर करने वाली बात ये है कि यूएन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि भारत में इंसानों का बाजार लगता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में खरीदे और बेचे जाते हैं। दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश और देश के कई और जगह से लड़कियों के गायब होने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, और इसकी वजह साफ है कि गायब लड़कियां और महिलाओं को वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, और हैरानी उस वक्त ज्यादा होती है जब पुलिस या प्रशासन गायब लड़कियों और महिलाओं को ढूंढने की बजाय ये कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं कि छानबीन की जा रही है, या उल्टा लड़कियों पर ये आरोप लगाते नजर आते हैं कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। एक रिसर्च के मुताबिक महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित माने जाने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर है।
सीबीआई का भी आकलन था कि लगभग 90% तस्करी देश के अंदर ही होती है। जांच एजेंसी ने भी यही कहा कि लगभग 3 करोड़ महिलाएं वैश्यवृत्ति में धकेल दी जाती है। वहीं कम उम्र की लड़कियों को घरेलू कामकाज के लिए भेज दिया जाता है। हाल ही में जारी हुए सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2011 में लगभग 35,000 बच्चियां लापता हुई, उनमें से 11,000 पश्चिम बंगाल से हैं। असलियत में अगर आंकड़ों पर भरोसा करें तो कोलकाता पूर्वी भारत में महिलाओं की तस्करी और खरीद फरोख के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर उभरा है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में गरीबी और पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल से लगी लंबी सीमा इसकी बड़ी वजह है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2011 में राज्य में 10,000 से ज्यादा महिलाएं तस्करी की शिकार हुई, लेकिन गैर सरकारी संगठनों के मुताबिक असली तादाद इससे कहीं ज्यादा है। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि आज जहां सब बिक रहा है वहां सौदागर चंद रुपयों के लालच में महिलाओं और मासूम बच्चियों का सौदा करने से भी नहीं चूकते। साधना न्यूज के लिए निशा शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो पिछले कुछ सालों में भारत में मानव तस्करी का जो धंधा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ लगती है जिस्म की मंडी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।